ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज़ बनाई हैं जिनमें कि आप अपने बिगड़ैल पति को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें कि लोग मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते। जो कल मैंने वीडियो बनाया था मोहिनी मंत्र पर, उसका जो है मोस्टली लोग उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको एक यंत्र दिया है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके बाद अभी जो रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आई है जिसमें कि पति वशीकरण का कोई सरल सा उपाय बताएं जो कि सटीक हो, एक बार करने से ही लग जाए, ज़्यादा समय उसमें ना लगे। तो देखिए, अगर आप ऐसा कोई मंत्र ढूंढ रहे हैं जो एक बार में ही लग जाए, तो सभी मंत्र में ये शक्ति होती है कि वो पलक झपकते ही काम कर दे। लेकिन ये सारा कुछ सिद्धियों से होता है, आपके पास कितनी पावर है। मान लीजिए अगर आप 25 साल तक साधना करती हैं तो आपके भीतर वो शक्ति, वो पावर उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि आप अगर किसी के समीप से भी निकल जाएं तो वो मोहित हो जाए। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। साधना करने से आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हर किसी को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साधना से आप किसी को भी पलक झपकते ही अपने वश में कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये बहुत ही निम्न वर्ग की हैं, मतलब कि ये बहुत छोटी बातें हैं साधना के इस क्षेत्र में। इससे भी बहुत बड़े बड़े अजूबे हो सकते हैं। आप जिन चीज़ों की कल्पना ही नहीं कर सकते, वो भी साधना से सब मुमकिन हो सकता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे पति वशीकरण मंत्र की। तो जैसे कि मैंने कल आपको मोहिनी मंत्र का एक सब्स्टिट्यूट दिया था जिससे कि आप यंत्र बनाकर अपने प्रेमी को आकर्षित कर सकते थे, उसी तरह से आज मैं आपको पति वशीकरण का भी एक यंत्र दूंगा। इस यंत्र को आप भोजपत्र पर अनार की कलम से, लाल स्याही से, या फिर कुमकुम या रोली, इससे बनाकर इसको शहद की शीशी में, डब्बी में डालकर किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि धूप ना आती हो, किसी अंधेरी जगह में रख दें। तो जो भी आपका साथी होगा, जो भी आपका प्रेमी है, वो आपके बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको देखे बिना उसे चैन नहीं आएगा। लगभग मुझे नहीं पता वो कौन सी साल थी, लेकिन जब मैं छठी कक्षा में था तब ये अचानक मेरे सामने आया और मैंने इसे कर दिया किसी अपने मित्र के लिए। उस समय इसका जो प्रभाव था वो इतना सटीक था कि बस एक बार ही लगाया और वो चीज़ लग गई। इसके बाद से मुझे इन चीज़ों में विश्वास होता गया और मैं इसके बारे में और जानने की मेरी जो रुचि है वो बढ़ती गई। और आज एक ऐसा संग्रह है मेरे पास जिसमें कि हर चीज़ का तोड़ है, हर एक चीज़ का इलाज है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो मंत्रों से आप किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो उस समय की बात और अब जो 2021 चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि वो मंत्र आज भी काम करता है या नहीं। जो यंत्र मैं आपको अभी, आप जो सामने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो है वो यंत्र है जिसको आपने अनार की कलम से, लाल स्याही से बनाना है। इस यंत्र को बनाने के बाद शहद की डिब्बी में डालकर अंधेरी जगह में रख दीजिए। इसके बाद आपको 21 दिनों तक इसको मुड़कर नहीं देखना। 21 दिनों के बाद इसको नदी में बहा देना, जो नदी चलती हो, तालाब नहीं चलेगा यहाँ पर। जो पानी बहता हो, जो बहकर आ रहा हो कहीं से, आप उसमें इसको डाल सकते हैं, लेकिन तालाब में ना डालें और किसी नाले में ना डालें। आपको नदी में ही डालना होगा ये,
और आजकल तो नदियाँ अपने उफान पर हैं, तो आप इसको किसी भी नदी में डाल सकते हैं। इसके बाद 21 दिनों के भीतर भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। अगर आपको असर 21 दिनों के भीतर ना दिखे तो एक बार फिर से इसको बनाकर यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराइएगा। बनाइए, 21 दिन वेट कीजिए, फिर इसको पानी में डालिए। ये प्रक्रिया आप सिर्फ 5 बार कर सकते हैं। अगर 5 बार में आपको असर ना दिखे तो ये चीज़ आप पर काम कभी नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो भी चीज़ें होती हैं उनमें विश्वास सबसे ऊपर होता है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अगर एक आपका मन कहीं जा रहा है, आप कहीं जा रहे हो, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको सबसे पहले सीखना होगा कि विश्वास कैसे किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो यंत्र है ये इतना प्रभावी है कि आपकी सारी मुरादें पूरी कर सकता है, तो आपको वो चीज़ महसूस करनी है, आपको उस चीज़ को मानना होगा। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद की बातें हैं। पहले गुरु ने जो कह दिया वो सर्वोपरि है। अगर मैं कह दूँ दिन को रात, तो आपको यही समझना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना अडिग निश्चय के, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इसमें। और दूसरी बात होती है दूसरों से छुपा के रखना। जब भी कोई साधना करें तो वो एकांत में करें और बंद दरवाजे के अंदर करें। साधनाएं जो होती हैं वो दिखाने के लिए नहीं होती। आप अगर सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी आपको छुप कर ये सारा कुछ करना होता है। पब्लिकली ये सब करोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सुनसान, एकदम जो वीरान सा कोई इलाका हो, वहाँ पर जाकर ये चीज़ें कीजिए और किसी को ना बताइए, और फिर देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें फलित होती हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो भी आप कार्य करें वो बुधवार को शुरू करें। जो वशीकरण का होता है उसको बुधवार को शुरू करते हैं। बुधवार में आप सुबह सुबह, जो वशीकरण का काल है वो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, इसके बीच में आप कभी भी ये क्रिया कर सकते हैं। सिर्फ यही क्रिया नहीं, जो भी वशीकरण की, आकर्षण की जो भी क्रिया है वो आप इस समय कर सकते हैं। किसी भी समय, जैसे कोई भी दिन हो, उस दिन के जो पहला पहर होता है उस पहर में इसकी ऋतु को बांटा गया है, इसमें आप वशीकरण का कोई भी कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो विश्वास है वो इसमें अडिग होना चाहिए। इतना अडिग कि अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ हो जाएं तो आपको फ़र्क ना पड़े। लेकिन आपका विश्वास अडिग होना चाहिए कि ये चीज़ काम करेगी तो करेगी। अगर आपके पास ऐसा विश्वास है तो भगवान को भी धरती पर आना होगा। तीसरी बात, इन चीज़ों को छुपा कर किया जाता है, पूरी दुनिया से छुपा कर कीजिए। अगर कोई पूछे भी तो भी मत बताइएगा, कह दीजिए छोटी मोटी पूजा है बस। इसके सिवा आप इस चीज़ को गोपनीय रख सकते हैं, इसको किसी को बताना नहीं है, सारी चीज़ें गोपनीय रखिए। अब इसके बाद जब आप फलित उस असर को देख पाएं, जब आप उसको फलित कर लें, आपकी जो भी साधना है जब आप उसका फल लें, उस समय आपको धन्यवाद करना हो तो उन शक्तियों का जिन्होंने आपका काम बनाया। क्योंकि हमारी आंखें कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाती जो हमारे आसपास ही मंडराती हैं, और वो हमें देखती रहती हैं कि कितना हम डिवोशन दिखा रहे हैं, कितना हम उसमें लगे हुए हैं अपने काम में। अगर आप पूरा डिवोशन दिखाते हैं तो वो शक्तियाँ जो हैं कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि आपकी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। तो कुछ यूँ समझिए कि जिस चीज़ को आप देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो भी हमारे साथ रहती हैं, वो सारी चीज़ें देखती हैं, और वही कुछ चीज़ें हैं जो ये सारा काम करती हैं। अब जैसे कहा गया है कि गुरुवार को बाल नहीं काटने, लेकिन क्यों नहीं काटने, कोई तो रीज़न होगा। लेकिन हम जिस चीज़ को देख नहीं पाते उसे मानते नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो चीज़ें जैसे बताई जाएं बिल्कुल उसको वैसे ही करना चाहिए। अगर इसके बारे में कोई भी दिक्कत, परेशानी आए या फिर समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। आप रात को मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि रात को मैं सो रहा होता हूँ। रात को आप जब 1-2 बजे फ़ोन करते हो तो मैं वो नहीं उठा पाऊँगा।
इसलिए सुबह 10 बजे के बाद आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और एक बार में अगर मैं ना उठाऊं तो आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिएगा। ये जो लोग होते हैं जो एक बार नहीं उठाए तो फिर 10 बार फ़ोन करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगर मैं किसी अनुष्ठान में हूँ तो आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, अगले दिन मुझे कॉल कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सभ्य बनिए और एक बार कॉल करने के बाद छोड़ दीजिए अगर नहीं उठाता हूँ तो। मैं 2 बार कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मैं किस पर बनाऊँ ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।